and next topic from the general surgery is about the cyst, sinus, fistula and wounds. So, have this is sinus. 25 years old, van driver is distributed by uh, disturbed by a discharging point on his back between his buttocks. And the driver is of thick belt and very hairy. On examination, doctor noticed pus coming out of out from a point at the needle cleft. is a driver is a truck driver. और ब्रिस्ली हेयर है उनके बहुत ज़्यादा बाल एंड डिस्चार्जिंग साइनस इन बिटवीन द बटिक्स एंड टफ टफ हेयर प्रोड्यूटिंग आउट ऑफ द साइनस सो वॉट इज़ योर डायगनोजिज इन वट यट इज योर मैनेजमेंट अच्छा अब इसमें ना ये सीन होता है कि ये वाला जो टॉपिक है पायलोनाइल साइनस ये हमारा ना सर्जरी का टॉपिक है सर सिस्टेमिक सर्जरी में जो एनस वाला रीजन था ना लोअर जी में उसमें हमने ये टॉपिक डिस्कस किया हुआ यहाँ पर हम इसको रिव्यू करेंगे आ, मतलब रिवाइज करेंगे एक का तो बाकी इसमें जो है हाँ, चीज़ें वो हम देख लेते हैं बुक से ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट सिस्ट्स सिस्ट्स क्या होती हैं देखिए सिंपली ये होता है कि ये हमारी एक पूरी कैविटी है सैक है जिसमें क्या हुआ है? Fluid हुआ. Fluid हुआ है फ्लूड बढ़ा हुआ है फ्लुइड बढ़ा हुआ है इस सेक के अंदर कैविटी है फ्लोइड है ठीक है और इस फ्लूड की जो कैविटी है इसके गेट जो है वो एक एपिथीलियम है एज यू कैन सी हियर तो वाट इज़ दिस कलेक्शन ऑफ फ्लुइड फिल्ड सैक कैविटी लाइंड बाय एंडोथीलीम और एपीथीलीम इसको हम क्या कहते हैं इट इज़ नाउन एज सिस्ट ये एंडोथीलीम की बनी हो सकती है ये एपीथीलीम की बनी हो सकती है फ्लूड फील्ड सैक है कैविटी है इसको हम क्या कहते हैं सिस्ट अब ये ट्रू सिस्ट भी हो सकती हैं फाल सिस्ट भी हो सकती हैं डिफरेंस क्या होता है कि ट्रू सिस्ट में वाकई में कोई एपीथीलीम होगी या होगी सैक और फॉल में जो सूडोसिस्ट होती है उसमें कोई ट्रू एपिथीलियम जो है वो नहीं होती जस्ट एक फाइब्रस कैप्सूल होता है सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू सिस्ट एंड फॉल्स सिस यू शुड बी अवेयर ऑफ उसके बाद सिस्टिक डिजनरेशन जो ट्यूमर की हो जाती है या सूडो पेंक्रियाटिक जो सिस्ट होती है आपको पता है उसके अंदर भी क्या होता है कि सिस्ट तो होती है लेकिन उसकी कोई प्रॉपर एंडोथीलियम या एपीथीलीम नहीं होती वहाँ पर जस्ट क्या होता है फाइब्रस कैप्सूल होता है तो ये चीज़ हो जाती है कि डिफरेंस अब क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्ट क्या है ये जस्ट हमें ग्रोथ थ्रू करना इंपॉर्टेंट नहीं है कंजेनेटल हो सकते हैं एकवायर्ड हो सकते हैं कंजेनेटल में क्या होता है कि जो बाय बर्थ ही सिस्ट बनी हो ठीक है लाइक आपको पोलिस किडनी डिजीज़ का पता होगा जो बाय बर्थ ही होती हैं जीन्स के अंदर होती हैं इसी तरह हमारे जो फेस्टिजियल रेबिनेंट्स होते हैं लाइक थायरोग्लॉसल थायरोग्ला सिस्ट है ब्रेंकियल सिस्ट है यूरिकल सिस्ट है इसी तरह एक्टोपिया होते हैं वेरियस टिश्यूज के लाइक डर्मोइड एपीडर्मोइड सिस्ट फेलियर ऑफ कनेक्शन ऑफ टिब्यूलर एपीथीलियम होता है जिसमें भी आप पोलीसस्टिक किडनी हमार्टोम होते हैं इन बिच भी एसिस्टिक हाइग्रोमास एक्वायर्ड में क्या है रिटेंशन सिस्ट है इम्प्लांटेशन सिस्ट है पैरासाइटिक सिस्ट है डीजनेटिव सिस्ट है रिटेंशन सिस्ट में क्या है माउथ में यूकस रिटेंशन सिस्ट होती है इम्प्लांटेशन सिस्ट क्या है डर्मॉइड सिस्ट है इसके अलावा पैरासाइटिक सिस्ट में क्या आ जाता है हाइडैटिड सिस्ट है और डीजेनेरेटिव सिस्ट में क्या होता है यूट्राइन डियोमायोमास होते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं जो सिस्ट है वहाँ पे इंफेक्शन हो सकता है बिल्कुल हो सकता है इसके अलावा जब वो सराउंडिंग वेसल्स को रेपचर करेंगी तो क्या होगा हेमरेज हो जाएगा फिर वो सिस्ट जो है वो अपने गिर टॉर्जन हो सकती है उसकी या फिर वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है या वहाँ पे कल्सिफिकेशन हो सकती है सो वॉट विल बी द ट्रीटमेंट अब वो सिस्ट जो पड़ी हुई है इतनी बड़ी उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है उसकी लोकेशन पे डिपेंड करता है और ये डिपेंड करता है कि वो सिस्ट कोई सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रही है या नहीं कर रही ऑब्स्ट्रक्शन के या किसी चीज़ के इन्फेक्शन तो नहीं हो गया उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमने उस सिस्ट को बॉडी से निकालना है या नहीं निकालना तो अगर तो सिस्ट जो है वो हमारी हम वैसे करते भी यही हैं कि वो जो एक सिस है उसको एक्साइज करके बाहर निकाल लेंगे और उसकी पूरी बॉल के साथ जो है एपिथीरियम उसके गिरदा है उस समय उसको हम बाहर निकाल लेंगे जैसे आपने पोलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होती है उसमें सिस्ट निकाल लेते हो इसी तरह आपने याद होगा आपने हाइड्रेट सिस्ट बन जाता होता है लिवर के अंदर उसको आप निकाल लेते हो तो इस तरह से ना हम सिस्ट को क्या करते हैं बॉडी से निकाल लेते हैं अब नेक्स्ट इज़ ए यूक्यू सिस्ट ये आपको आना चाहिए इम्पॉर्टेंट है, है कि uh, क्या होता है कि वो सिस्ट जिसके गिर जो एपिथीलियम है वो स्क्वामस एपिथीलियम है ठीक है सिस्ट लाइन विद स्क्मस एपिथीलियम कंटेनिंग डी स्क्वेमेटेड सेल्स आर कॉल्ड एस डामोइड अब इसमें कौन सी चीज़ें होती हैं सिस्ट के कॉन्टेंट्स कौन से होते हैं दे आर पेस्ट लाइक जिसमें स्वेट होता है सीबम होता है और डिसकोमेटेड एपिथेलियल सेल्स होते हैं अब टाइप्स क्या हैं सिस्ट के कंजेटल हो सकती है इम्प्लानशन सिस्ट हो सकते हैं टेराटोमेटस हो सकती है ट्यूबो ट्यूबोलो एमरॉनिक सिस्ट हो सकती है सबसे पहले कंजेटल जो एम्ब्रियनिक फ्यूजन होती है डर्मल सेल्स की वजह से उसके अलॉन्ग जो लाइन के अलॉन्ग बन जाती है वो हमारी होती है कंजैनिटल सिस्ट ठीक है ये किसी भी जगह पर हो सकती है लेकिन मिड लाइन ऑफ द बॉडी में होती है लाइक मीडियम नेजल डरमोइट सिस्ट हो सकती है प्री ऑरिकर पोस्ट ऑरिकुलर हो सकती है इसको जस्ट गो थ्रू करना इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है बस सिस्ट का ये पता होना चाहिए कि एक सिस्ट है जिसके गेट क्या है उसको एम एस एपिथीरियल सेल्स हैं और डिसक्रमेटेड सेल्स हैं और उसमें स्वेट सीबम और एपिथेलियम सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर ठीक है अब जो ये होता है कंजेनेटल डरमसिस्ट इसमें होता है कि पेशेंट जो है उसको पेनलेस स्लो ग्रोइंग स्वेलिंग होती है जो कि सॉफ्ट सिस्टिक फ्लक्चुएट होती है लेकिन उसमें ट्रांसलिमिनेशन पॉजिटिव नहीं होती और ये बोन को भी रोट कर सकती है और जो है इसके अलावा इम्पलानीशन इम्पलानशन क्या है रिपीटड ट्रामा के बाद जो हो जाती है उसमें जो है वो क्या है एपिथी, एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो सब क्यूटेनियस टिशू में चले जाते हैं और वो जाके सिस्ट बना देते हैं मतलब ये कि ये हमारी एपिथीलियम है और जी क्या हो रहा है कि उसके ऊपर रिपीटेड ट्रॉमा हो रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो जो पीडी सेल्स हैं वो चले जाते हैं कहाँ पर हमारे सब क्यूटेस टिशू के अंदर वहाँ पे जाके इकट्ठे होके एक्सिस्ट बना देते हैं तो ये वुमेन के अंदर कॉमन है और टेलर्स के अंदर जो माइनर ट्रोमाज इनको होते रहते हैं घरों के अंदर या इस तरह से फिंगर्स के ऊपर ये बन जाती होती हैं फिर टेराटोमेटस होती हैं टेराटोमेटर जब भी टेराटोमा का वर्ड होता है तो आपको पता होना चाहिए कि तीनों लेयर्स ऑफ जो है ना लेयर्स होनी चाहिए इसमें एक्टोडम एंडोडम और अमिजोडम टोटी पोटेंशियल होते हैं ये जो है एक्टोडर्मल एंडोडर्मल और एमिजोडामल एलिमेंट से आते हैं लाइक सेल्स हेयर केयर कार्टलेज बोन इन सब से और ट्यूबुलो सिस्ट जो है ये एम्ब्रोनल जो होते हैं वहाँ से आती हैं फॉर एग्जाम्पल सिस्ट इन सब की ट्रीटमेंट क्या है कि हमने सिस्ट में सारी बॉल को रिमूव कर देना ठीक है फिर वी हैव द सिस्ट दिबेश सिस्ट के बाद सिस्ट इसमें आपको पिक जोस दिखा देती हूँ मेरे डर्माइड सिस्ट की ये जो एक्चुअली क्या कर रहा है आ, ये जो आपको नज़र आ रही है ये बोन्स के अंदर जो है ना कर रही है बोनी इंटेंटेशन कर रही है इसका बोन के अंदर इट इस काइंड ऑफ सिस्ट और ये आपको नज़र आ रही है स्किन ये एक्चुअली ना हमारे पास जो है सिस्ट है ये कंजेनेटल है ये फिंगर्स के ऊपर जो बन जाती है इम्प्लान डर लाइक दिस और ये जो है टेराटोमैटिस दिस इज द ट्यूबुलो एम्बरॉनिक डरमसट सिस्ट ठीक है अब नेक्स्ट जो हमने पढ़नी है वो स्वेशियल सिस्ट है इसको हम सिस्ट भी कहते हैं एपिडर्मल सिस्ट भी कहते हैं एपिडर्मल इंक्ल्यून सिस्ट भी कहते हैं अब एज यू नो दिस के हमारी स्किन के अंदर जो है ग्लैंड्स ग्लैंड होते हैं अब क्या होता है कि स्पेशियस ग्लैंड जो उनकी जब डक्ट्स आगे से बंद हो जाती हैं तो नीचे क्या होता है सीबम इकट्ठा होना शुरू हो जाता है इट रिजल्ट इन दिस वन स्पेशियस सिस्ट ये सॉलिट्री होती है स्लोली ग्रोइंग होती है किसी भी जगह पे हो सकती है जहाँ पे सबेशियस ग्लैंडस होते हैं लेकिन ये ज़्यादातर हेयरी स्किन के ऊपर होती है क्योंकि वहाँ पे हेयर्स के पास ना सबेशियस ग्लैंड अटैच होते हैं तो जो है ट्रॉमा के रिजल्ट में क्या होता है कि जो एपीथीलम होती है उसकी इंप्लानशन हो जाती है डर्मिस में और वहाँ पे फिर क्या होता है नॉन हेयरी पर भी हो सकती है लेकिन हेयरी पर ज़्यादा आपको मिलती हैं ठीक है लाइक like दिस सबेशियस सिस्ट आपको इस तरह से नज़र आती हैं तो ये उसको रिमूवल करने का तरीका बताया हुआ है कि हाउ वी रिमूव द सिस्ट ये एक आँख के पास भी बनी हुई आपको नज़र आ रही है ये आपको माउथ के अंदर नज़र आ रही है ठीक है सब लैंग रीजन में भी होती है और ज़रूरी नहीं है नॉन हेरी हेरी एरियाज़ में नॉन हेरी में भी हो सकती है ये आपको स्कॉल्प के ऊपर एक नज़र आ रही है सिस्ट ठीक है ये जो स्कॉप के ऊपर बन जाती है स्पेश सिस्ट इसको कहते हैं कॉक्स स्पेक्यूलर ट्यूमर ठीक है जो हम आगे देखेंगे क्या होता है हमारे पास टाइम कम है इस वजह से मैं आपको जो है वो कुछ कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ ज़्यादा नहीं दिखाती जिसमें मुझे लगता है कि यहाँ पे पिक्चर्स की ज़रूरत है वहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ अदरवाइज़ जो है जल्दी से टॉपिक्स कवर करने की हमें होना चाहिए अभी किस टाइम कम है ना तो ये सारा लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया कि सिस्ट फॉर्मेशन से बेशक सिस्ट कैसे बनती हैं अब इनका क्लिनिकल फीचर क्या होगा आपको वहाँ पे एक स्वेलिंग सी नज़र आएगी ठीक है और उसका विजिबल पंक्टम नज़र आएगा जिसमें से वो सीबम जो है वो बाहर निकल रहा होगा तो ये स्वेलिंग होती है जो मोबाइल होती है ठीक है हिलड़ी होती है एक जगह पे और इसको हम किसी भी शेप में माउल्ड कर सकते हैं तो इसको हम कहते हैं इट इज़ अ साइन ऑफ माउल्डिंग अब इन्फेक्टेड फ्लक्चुएंट जो सिस्ट होती है वो बड़ी होती है हैटोमेटिस है, और पेनफुल हो जाती है डायग्नोसिस हमारा क्या होता है कि क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन जैसे आपको सिस्ट दिखाई है मैंने उसमें आप जस्ट देखोगे और आपको पता चल जाएगा कि, कि अच्छा ये फंक्टम है इसमें से सीबम निकल रहा है हेरी एरिया में है, तो ये सब बेश सिस्ट है या आप उसकी हिस्ट्रोलॉजिकल एग्जामिनेशन करोगे तो उसमें आपको सिस्ट जो है उसकी स्ट्रेटिफाइड स्कोम एपिथीलियम जो है वो नज़र आ जाएगी ठीक है फेल्ट और उसके अंदर जो है वो सिस्ट जो उसके अंदर कैराटिनस मटीरियल जो है वो जमा हुआ नजर आएगा कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं जैसे भी हमने पहले पढ़ा कि सिस्ट थी उसके मैंने इन्फेक्शन हो सकता है ठीक है उसमें क्लासीफिकेशन हो सकती है उसमें कभी कभार कैंसर का रिस्क हो जाता है इसी तरह हमें देखा कि जो स्काब के ऊपर मैंने आपको सिस्ट दिखाई थी वडेमेट्रिस ग्रैनोलेटिंग ओपन से इन्फेक्टेड थी होती है उसको कहते हैं कॉक्स पैक पेक्यूलर ट्यूमर जो मैंने आपको दिखाया अगर जो है वो बड़ा सा पंक्टम बना के उसमें से सीबम निकलना शुरू कर देता है और वो ड्राई हो जाता है तो वहाँ से ना ड्राई होने की वजह से ना वहाँ पे एक छोटा सा हॉर्न बन जाता है जिसको हम कहते हैं सबेशियस हॉर्न ये देखिए जिसमें से सीबम निकल रहा है ना पंक्टम में से वो वहाँ पर पंगटम में से निकलेगा ना तो उसमें से ना वो ड्राई हो जाएगा सीबम फिर वो हार्ड करके कॉनिकल से स्पाइक बना देगा जिसको सबेशियस हॉर्न कहते हैं लाइक दिस ठीक है इसका ट्रीटमेंट क्या होगा कि अगर वो छोटा सा होगा तो हम उसको क्या करेंगे एक्साइज कर देंगे अगर बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे कि वो इंसियन देंगे इंसियन देंगे और उसमें से जो सिस्ट है उसकी सारी कॉन्टेंट्स बाहर निकाल देंगे ठीक है डिफरेंस क्या होता है सिस्ट का और सिस्ट का कि सबसे पहले सिस्ट जो होती है वो कंजेनेटल होती है और यहाँ इक्वाइर्ड भी हो सकती है जैसे हमने देखा कुछ जेनेटल डिस थी कुछ सिस्ट हो गया या पोलिसटिक ठीक है सोटी सिस्ट हो गया है इस तरह से ना और स्पेशल सिस्ट होती हैं इक्वाड होती हैं क्योंकि उसमें डाक ऑब्स्ट्रक्शन होगी और फिर सिस्ट बनेगी लोकेशन क्या है कि डर्मर सिस्ट जो होती हैं ये अलॉन्ग द लाइंस ऑफ फ्यून होती हैं या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपीटेड ट्रॉमा हो रहा हो जैसे अलॉन्ग द लाइंस ऑफ फ्यून की हमने एग्जांपल देखी कंजेनेटल या सिक्वेस्ट्रेशन डर्मर सिस्ट और ट्रामा की हमने देखी इंप्लानशन सिस्ट जो फिंगर्स पर बन जा रही थी उसके बाद जो जेशियस है वो ज़्यादातर हेरी पार्ट्स पर बनती है लेकिन पता है ये नॉन हेरी पे भी बन सकती है जैसे पाम सोल पे सब लिंगल रीजन के ऊपर भी बन सकती है लेकिन मोस्टली आपको हेरी एरियाज़ में मिलती है पंक्टम जो है मैंने बताया कि स्पेशियस सिस्ट का आपको नज़र आ रहा होगा जैसे मैंने आपको पिक्चर्स भी दिखाई हैं और वो स्पेशियस हॉर्न भी उसने बनाया हो सकता है स्किन फिक्सेशन जो है वो भी स्पेशियस में होती है इस तरह बोनी डिफेक्ट जो है वो हमारा डर्मोइड में होता है जैसे मैंने आपको बताया कि वो बड़ी सी सिस्ट थी बोनी हरोइन कर रही थी याद है ना आपको पिक्चर उसके बाद इंट्राक्रेनियल कम्युनिकेशन जो है वो भी हमारी डर्मोइड सिस्ट का होता है कफ पल्स से जो है ना डायग्नोज होता है कि पता है कोई भी कैविटी के साथ एसोसिएशन हो ना जैसे हर्निया होता है उसको वो कैविटी से निकल रहा होता है तो जब कफ करते हैं तो वो बाहर आ जाता है और प्रेशर की वजह से तो इसी तरह जब प्रेशर के साथ कफ करेंगे तो वो क्या होगा के जो है ना जो डर्मर्टसिस्ट होगा उसका कम्युनिकेशन हमें लग रहा होगा करीनल कैविटी के साथ ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे जो हमारा होगा डरमसिस्ट उसके लिए हम उसको एक्साइज कर देंगे और जो हमारे से सिस्ट है उसमें हम इंसिडेंट देंगे और रिवर्जन करेंगे ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट सिस्ट अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट दाइंस साइनस और फिस्टला में डिफरेंस आना चाहिए उसके लिए आप ये पिक्चर देखें कि साइनस जो है उसका एक ओपनिंग आपको नज़र आ रही है एपिथीलियम के अंदर एक ओपनिंग है जबकि फिस्टुला में देखें यहाँ पे भी ओपनिंग है वो सारा एक ट्रैक बना हुआ है और यहाँ पे भी ओपनिंग है दो जगह पे ओपनिंग है ठीक है तो साइनस इज जस्ट वन वे और फिस्टुला इज टू वे ये भी ये भी जगह खुली हुई है सो साइनस देखें सबसे पहले उसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए वॉट इज साइनस इट इज़ अ ब्लाइंड ट्रैक्ट लाइंड बाई ग्रैनुलेशन टिश्यू दैट एक्सटैंड फ्राम एपीथीरियल सर्फेस इंटू टिशूज दिस इज epithelial surface. surface. यहाँ से एक्सटेंड करे टिशूज में जा रहे हैं और इसके गिरद क्या है ये ग्रेनुलेशन टिशू है ठीक है So it is a blind track. Blind क्यों कह रहे हैं क्योंकि इसका एक हिस्सा खुला हुआ है दूसरा बंद है लाइंड बाय ग्रैनुलेशन टिशूस वो सारा आपको डोर्स टोर्स नजर आ रहे हैं दिस इज ग्रैनुलेशन टिशू दैट इक स्टैंड फ्राम एक्स टू द टिश्यूज़ तो इसमें एग्जाम्पल एक नोन दी हुई है पारोनाइटल साइनस जिसका यूक्यू भी आया हुआ है उसको हम जल्दी से देखेंगे क्योंकि मैं इसको जो है वो उसमें डिस्कस कर चुकी हूँ स्टामिक सर्जरी में ठीक है कि इट इज आई बी थी ट्रैक्ट इस फाउंड द नेटल क्लेफ्ट और इसका लेटेंट वर्ड से आया हुआ जिसका मतलब होता है नेस्ट ऑफ़ हेयर्स ये जीप ड्राइवर्स में कॉमन होता है इसकी पैथोफिजोलॉजी मैंने आपको बताई हुई है कि क्योंकि जीप ड्राइवर जो है वो जब जीप चला रहे होते हैं तो इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन वाइब्रेशन हो रही होती है कि उसके जो हेरी एरिया होता है ना ग्लूटियल क्लेफ्ट वहाँ से बाहर उतर उतर के ग्लूटियल क्लेफ्ट को ब्लॉक कर देते हैं ओपनिंग ऑफ वेट प्लैंड के अंदर जमा हो जाते हैं ये बार्बर्स जो हेयर ड्रेसर्स होते हैं उनकी भी क्योंकि बालों के साथ काम होता है जो हजामत करवाने आते हैं तो उस वजह से उनके उंगलियों के दरम्या में जो है ना वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाता है तो वो फॉरेन बॉडी होता है ना बाल उसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हो जाता है उसकी वजह से क्रॉनिक इन्फ्मेशन की वजह से वहाँ पे एक ब्लाइंड ट्रैक बन जाता है जिसको हम साइनस कहते हैं आप्स भी बन सकती है तो कभी कभार वहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं कि ट्वेंटी टू थर्टी इयर्स के अंदर जो है ना ये कॉमन होता है हेरी मैन के अंदर होता है और पस भी आ सकती है एप्स भी बन सकती है ओपनिंग जो होती है एनल वर्ज से ऊपर फाइव सेंटीमीटर जो है ना मिड लाइन होती है ओवर द काकस ठीक है ट्रीटमेंट क्या होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं जिनको माइनर सिम्टम्स होते हैं उनको बस हम ये कहते हैं कि प्लीज़ अपनी सफाई का ख्याल रखें प्रॉपर उस जगह की सफाई रखा करें जितने भी बाल हैं उनको रेगुलरली शेव ऑफ किया जाए स्ट्रिक्ट हाइजीन मेन्टेन रखें ठीक है ऑब्वियसली अगर वहाँ पे एफसेस आपको मिलेगी तो आप क्या करेंगे उसको ड्रेन करेंगे ठीक है ऐसे ही करेंगे ना ड्रेन करेंगे ना एफ्स को और इन देंगे और क्या देंगे एंटीबायोटिक्स दे देंगे लेकिन अगर वहाँ पे आपको क्रॉनिक पायोडेंडल पायरोडेंडल डिजीज मिल रही है वहाँ पर पूरा ट्रैक्ट बन गया हुआ है तो सारे ट्रैक्ट को आप एक्साइज करेंगे और आप उसको प्राइमरी क्लोयर ऑफ द वड कर देंगे अगर लार्ज वूंद है तो फिर आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे खुला छोड़ देंगे ताकि वो खुद बहुत हील हो जाए ठीक है तो अगर वो छोटा है तो आप क्या करेंगे सारे ट्रैक को रिमूव करेंगे और प्राइमरी क्लोयर होने देंगे अगर लार्ज है तो उसको आप वो खुला छोड़ देंगे और सेकेंडरी इंटेंशन से उसको हील होने देंगे ठीक है अब वो कहते हैं कुछ ऐसे होते हैं मेथड्स के जिसकी वजह से जिसके, जिसके लिए हम पूरे वूंड को जो है इंटायरली एक्साइज करते हैं और फिर क्लोज करते हैं तो वो हमारे पास होता है कि Uh, उसके लिए हम क्या करते हैं कि जी प्लास्टिक करते हैं या कैरेट डाकिस प्रोसीजर करते हैं या बैस्कॉम टेक्निक होती है या रोमबर्ट फ्लैग होता है इनमें जस्ट हमारा ये काम होता है कि अगर हमने uh, मतलब हमने क्या करना है कि मिड लाइन एन सी एन नहीं देना हमने उसके इर्द गिर्द एक्सरसाइज करना है एरिया को और फिर ट्रैक को मतलब निकालना है मतलब इसके थोड़ा सा मैं प्रोसीजर की तरफ तो डिटेल में नहीं जाऊँगी लेकिन मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे देती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्रैक्ट है ठीक ये साइनस बना हुआ है ठीक है ये जो नीचे बना हुआ है इसको देख लेते हैं ये आपका साइनस बना हुआ है आपने क्या करना है कि आपने मिड लाइन ने मिड लाइन से कुछ नहीं करना आपने कुछ ऐसा प्रोसीजर करना है कि इसकी सराउंडिंग एरियाज के अंदर कट हो दरमियान मिड लाइन से ना हो क्योंकि मिड लाइन देंगे तो हीलिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा हीलिंग प्रॉपर नहीं होगी तो इस वजह से हम सराउंडिंग एरिया जो है उसको तो आ, करते हैं सफाई से लेकिन मिड लाइन इनसे नहीं देते तो इन सब का काम ये होता है जी प्लास्टी कैराडाकिस्ट प्रोसीजियर बैस्कॉम टेक्निक एंड रोबर्ट फ्लैप ठीक हो गया उसके बाद हमारा आता है फिस्टुला फिस्टुला क्या होता है कि मैंने बताया कि इसमें टू वेव ओपनिंग है तो अब नॉर्मल कम्युनिकेशन होता है बिटवीन टू एपीथीरियल सर्विसज ठीक है तो ये देखें ये हमारा एपीथीलियम है और ये एपीथीलियम है तो इनके दरमियान में एक अब नॉर्मल कम्युनिकेशन बन गया ठीक है नॉर्मल कम्युनिकेशन तो नहीं है एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन द टू अपीथीरियल सर्विसज इज कॉल्ड एज और इसके गिर्द आपको क्या नज़र आ रहा है ये डॉट्स वाला दिस इज ग्रैनुलेशन टिशू तो अब नॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन टू एपिथेलियल सरफेस इज कॉल्ड एज पिस्टुला विच इज़ लाइंड बाय ग्रैनुलेशन टिशू ठीक हो गया उसके बाद इसके कॉजिज़ क्या है पिस्टुला क्यों बन जाता है आई मीन तो फजूल में ही ना इसका दिल करेगा कि मैं यहाँ पे एक रास्ता बना लूँ ऑब्वियसली कोई मसला होगा ठीक है फॉर एक्ज़ाम्पल डिजीज़ किसी को टीबी हुई थी क्रोहन्स डिजीज़ में हमको पता है फिसला बन जाते होते हैं इसके अलावा इन एडुकेट हमने ड्रेनेज की एप्स की पैरियनल एप्स थी फॉरेन बॉडी थी हाइड्रोजेनिक है न्यू प्लास्टिक है ठीक है फ़ॉरन बॉडी पड़े रहने की वजह से वहाँ पर इंफ्लमेशन होगी और फिसला बन जाएगा आइट्रोजेनिक हम कोई प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे थे उसकी वजह से फिस्टुला बन गया न्योप्लास्टिक कैंसर बना हुआ था उसकी वजह से फिस्टुला बन गया ठीक है फिर आपके कॉजेज़ हैं परसिस्टेंट फिस्टुला के तो इसके लिए हमारे पास नमानिक है फ्रेंड एफ़ फॉर फॉरन बॉडी आर फॉर रेडिएशन थेरेपी आई फॉर इम्यूनो सेप्रेशन या फिर आइट्रोजेनिक आप कह सकते हो डायबिटीज़ एड्स स्टेरॉइड्स यूरिमिया मेलेशन किसी फॉर्म में भी इम्यूनोसप्रेशन हो एन फॉर न्यूप्लाजम डी फॉर डिजिटल ऑब्सट्रक्शन ठीक है तो फॉरन बॉडी है रेडिएशंस हैं इम्यूनोसप्रेशन है न्यूप्लास्टिक है और डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन इन सब केसेस में क्या होता है प्रजिस्टेंट फिस्टुला बन जाता है इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे हम वहाँ पे क्योंकि इन्फेक्शन हो सकता है वो डिजीज़ हो सकती है जिसकी वजह से वो फिस्टला बना हुआ है तो हम क्या करेंगे माइक्रोबैक्टीरियल एग्जामिनेशन करेंगे इसके अलावा हमने वो साइनस बना हुआ है उसको देखने के लिए साइनोग्राफी करेंगे फिस्टुला बना हुआ है तो फिस्टुलोग्राम करेंगे एम आर आई कर सकते हैं तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ये फिस्टुला है उसके बाद ट्रीटमेंट कैसे करेंगे कि वो जो बना हुआ है उसकी एडिक्वेट ड्रेनेज करेंगे उसके बाद हम कोई भी सेप्टिक मटीरियल है फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखा कि फ़ॉरेन बॉडी पड़ा हुआ था ये तो उसकी वजह से वहाँ पर हो गए तो हम उस मटीरियल को रिमूव कर देंगे वो जो ट्रैक्ट है उसको कम्प्लीटली एक्साइज करेंगे उसके गिर्द जो गंदा सा ग्रैनोलेसन टिशू है उसको स्क्रैप ऑफ करेंगे हम उस कैविटी को पैक करके उसको ऐसे ही छोड़ देंगे ठीक है और उसके बाद हम उसको हील कर होने देंगे बाय ग्रैनुलेशन टिश्यूज मतलब वो हमने सारा ट्रैक जो गंदा सा बना हुआ है उसकी सफ़ाई करनी है उसके इर्द गिर्द की सफ़ाई करनी है और उसको पैक करके जो है ना खुद बहुद हील होने के लिए छोड़ देना ठीक है अगर इसे साइनस और फिस्टुला जो है वो कैविटी बना रहा है तो उसको हमने कम्प्लीटली क्लोज करना कर है? है, तो या है या डिसकनेक्ट कर देना है ठीक है उसके बाद पूछ रहे हैं कि वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइनस एंड फिस्टुला तो ये आपका इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये आपको आना चाहिए कि पता भी है कि साइनस जो right है इट इज़ अ ब्लाइंड ट्रैक्ट ठीक है जिसमें ग्रेनोलेशन टिश्यूट गिट होता है और फिस्टुला uh, जो अब नॉर्मल कम्युनिकेशन है बिटवीन टू सर्फेसिज अब इसके एग्जाम्पल्स हैं एंटीरोक्यूटेनियस फिस्टुला और विजाइकोविजैनल फिस्टुला इसको हम नेक्स्ट पार्ट से करते हैं